हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 6s के बारे में कि ये फोन पूरी तरह से अब खराब हो चुका है, क्यों, कैसे, क्या हुआ इसके साथ में। और यही नहीं, जो भी आईफोन 6s मार्केट में चल रहे हैं वो सभी एक तरीके से अब खराबी हो चुके हैं। सो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या सीन हुआ है। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर आईफोन से रिलेटेड, आईफोन की जो सेल आती है उनसे रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो यहाँ पे आप लोग जो मेरे पास देख रहे हो ये है आईफोन 6s और अभी भी बहुत ज्यादा लोगों के पास आईफोन 6s है जिसका लोग यूज कर रहे हैं। तो अभी तक तो ये बहुत ही अच्छा चल रहा था, चल अब भी अच्छा रहा है। यहाँ पे आप बैंकिंग एप्स भी यूज कर सकते हो, हल्की फुल्की गेमिंग यूज कर सकते हो, आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई और भी काम है छोटे मोटे जो रेगुलर जो है होते हैं नॉर्मल, सब कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस टाइम पे हो रही है वो ये है, ये आया था गाइस 2015 में और 2015 से अभी तक जोड़ेंगे तो करीब 7 साल हो गए हैं। आईफोन 6s की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही है वो ये है, इसकी बैटरी लाइफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1% बैटरी अभी आप लोगों को दिख रही होगी और बहुत सारे लोगों को बैटरी इशू बहुत ज्यादा दिनों से आ रहा है। और यहाँ पे सबसे मेन चीज जो जरूरी होती है वो होती है इसकी बैटरी हेल्थ। यहाँ पे अब बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी बैटरी हेल्थ आईफोन 6s की बहुत नीचे गिर चुकी है। इसका मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे भी आईफोन 6s की बैटरी की हालत क्या हो चुकी है। इसको अभी नवंबर से 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 साल के बाद आईफोन की जो बैटरी होती है वो खराब हो जाती है, आपके पास कोई भी आईफोन हो। यहाँ पे मेरे पास आईफोन 6s अभी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं लेकिन इसकी बैटरी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 76% आ चुकी है। इसका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अगर मैं इसको 100% चार्ज कर लूँ और नॉर्मल यूज़ करूँ, यानी कि अगर मैं इसको एक बार चार्ज करके सिर्फ इसमें यूट्यूब का यूज़ करूँ तो मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे चलेगा, उसके बाद ये फ़ोन जो है बैटरी इसकी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे आईफोन 6s जो है खराब हो चुके हैं क्योंकि 2015 में आए थे, 2022 चल रहा है, 7 साल हो गए हैं। जिन लोगों ने बैटरी नहीं चेंज करवाई होगी उनके जो फोन है वो तो पूरी तरह से खराब होने ही वाले होंगे। जैसे कि बैटरी हेल्थ यहाँ पे इतनी ज्यादा गिर चुकी है तो अब क्या ही फोन यूज करेगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है iOS 16 का अपडेट नहीं मिलेगा, यानी कि आने वाले जो अपडेट्स हैं वो इसको आईफोन 6s को नहीं मिलेगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब इसमें जो है धीरे धीरे जो ऐप्स होती हैं, जैसे कि आईफोन 6 में बहुत सारी ऐप्स चलना बंद हो गई हैं, उसी तरह आईफोन 6s में भी अब काफ़ी सारी धीरे धीरे ऐप्स चलना बंद हो जाएंगी आने वाले 1 से 2 साल में। अभी 1-2 साल तो इसको आराम से चला सकते हो, चाहे बैंकिंग ऐप्स हों, सोशल मीडिया ऐप्स हों, अभी मतलब चला सकते हो, बाकी उसके बाद इसका क्या ही होगा। और ये भी सच है गाइस कि इतना टाइम, इतना 6-7 साल फ़ोन कौन ही यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे बैटरी कुछ ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पे एक अपने आप को तसल्ली वाला काम कर सकते हो, अपने आप को दे सकते हो, इसकी बैटरी चेंज करवा सकते हो। इसकी बैटरी अगर आप ओरिजिनल एप्पल से चेंज करवाते हो स्टोर से तो करीब 3,500 से 4,000 रुपये आपको लगेंगे, 3,500 रुपये कम से कम आपको जो है देने पड़ेंगे। लेकिन यही काम आप अगर लोकल मार्केट में करवाओगे तो 1,000 रुपये से 1,500 रुपये में आपका काम हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो लोग सोच रहे होंगे कि हम एप्पल ओरिजिनल से अगर बैटरी चेंज करवाएंगे तो इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होगा, आप अगर इसमें ओरिजिनल बैटरी भी डलवा लेते हो तो मुश्किल से 3 घंटे से 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, इससे ज़्यादा बैटरी बैकअप वो भी नहीं दे पाएगी। और अगर आप लोकल बैटरी डलवाते हो तो उसमें भी 2.5 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो है सलाह आप लोगों को यही रहेगा कि इसमें ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल बैटरी बिल्कुल भी ना डलवाएं, लोकल बैटरी से काम चल रहा है तो चलाइए। अदरवाइज़ अगर आप नया आईफोन सोच रहे हो खरीदने की तो वो खरीद लें, इस पर पैसा वेस्ट ना करें, जैसे है चलाएं, कभी कभार यूज़ करें, हल्का फुल्का कॉल्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए बेटर है। बाकी आपको इसमें जो है हैवी टास्क नहीं करने चाहिए और इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट में इसका सेकेंड हैंड जो फ़ोन है 32 GB वाला या फिर 64 GB वाला वो 7,000 से 8,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। और जो लोग पहली बार आईफोन लेना चाहते हैं तो वो 4-5 हज़ार रुपये का खरीद करके इसका एक्सपीरियंस ले सकते हो, फ़ोन अभी भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जो दो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो यही है कि इसका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा गिर चुका है और दूसरी चीज़ इसको आने वाले टाइम पे अपडेट जो है iOS 16 का नहीं मिलने वाला है। अभी 1-2 अपडेट शायद ही मिले, उसका भी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, जो है शायद ही अपडेट इसको आने वाले टाइम पे मिले जो iOS 15 पॉइंट करके कुछ होंगे, जैसे कि अभी चल रहा है यहाँ पे iOS 15.5 तो हो सकता है iOS 15.5.1 या फिर 15.6 मिल जाए शायद ही।
कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद ना मिले इसको, तो अपडेट नहीं मिलेंगे, बैटरी का इशू रहेगा, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए चलाना अच्छी बात नहीं रहेगी, आपके जो है प्राइवेसी का भी खतरा रहेगा और इसमें बहुत सारी जो ऐप्स हैं वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो अच्छा रहेगा आप इसको हटा दें, अगर अच्छे दामों में आप मिल रहे हैं इसको हटा सकते हो, अदरवाइज इसको आप रख सकते हो, अपना कभी कभार के लिए यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको मैं समझा पाया कि आईफोन 6s क्यों खराब हो रहा है और बैटरी बैकअप कितना ज़्यादा ख़राब है, ये आप लोग जानते होंगे जिनके पास आईफोन 6s होगा। सो मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।